नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद इटावा के थाना बसरेहर क्षेत्र के अंतर्गत झम्मनपुर गांव का सचिन ने गांव के ही नाबालिग रवि को मजदूरी के लिए हैदराबाद ले गया, जहां 2 महीने बीत जाने के बाद मजदूरी मांगने पर सचिन एवं उसके साथी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं हैदराबाद से पुलिस का फोन आने पर परिजनों को जानकारी हुई तो होश उड़ गए। परिजन शव को लेने हैदराबाद पहुंचे तो देखा कि रवि का शव पीएम हाउस में पड़ा है। जब पुलिस से घटना की जानकारी की तो बताया रवि की चाकू मारकर हत्या कर आरोपी फरार हो गए हैं। रवि का शव लेकर परिजन बसरेहर गांव पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया। आसपास क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में गाँव में पहुंचे। वहीं पीड़िता ने बताया हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित मृतक के चाचा ने कहा हमको न्याय चाहिए। न्यूज नाइन भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ आनंद पांडे की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। निर्वाण सिंह। गांव का नाम? जमनपुर। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई है जी, हमारे लड़के को ले गए साथ में जी, जिस लड़के को ले गए और जो कि है इन लोगों ने वहाँ जा कर इसको मार दिया, जाकर चाकू से मार दिया इसने। अच्छा, ये कौन लोग थे जो आपके बच्चे को लेके गए थे यहाँ से? जेबे जो कि अपने गांव के लोग थे। अच्छा, क्या कारण है क्यों इन लोगों ने इनकी हत्या की है? ये तो या हमको क्या मालूम जी, हम तो इन्हें भाई ये लोग से बच्चे को। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं जो कि है न्याय चाहते हैं। न्याय चाह रहे हैं? हाँ जी, मन तो नहीं करते हैं। अपना लड़के को बुलवा लिया एक को, इसको जो कि मन पर छोड़ के इसको जो कि चाकू से मरवा के, अच्छा फिर भी जे लोग जो कि है जो फोन नहीं उठाते हैं, इनका ठेकेदार है वो भी नहीं फोन उठाता है जी। इनका लड़के का नाम है जी वो सचिन नाम है जी। अच्छा, एक है सचिन और एक और है कोई, वो है जी अनगांव का है जितेंद्र, जितेंद्र है जी। इनने दोनों ने मिल के शाम को इसके अंडे को छुरी भोंक दी, मर गया है। जैसे यहाँ से लेके गए अपना तो बच्चा बुला लिया, मेरे बच्चे को वहीं छोड़ के जो कि मरवा दिया इसे। कहने के आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी, हमको जो कि अजी न्याय मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। सो ये हमसे छुपा के ले गए, बोल के भी नहीं ले गए हमसे, जो कि हम लेके जा रहे आपका बच्चा यार न्याय मिलेगा इनको, इनको जो कि अजी न्याय जरूर मिलना चाहिए इस बात का जी। नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण। गांव का नाम? झम्मनपुर। अच्छा, ये घटना हुई बच्चे के साथ में जो साजिश के तहत हत्या कर दी गई है जी, तो क्या है, क्या मामला है? ऐसा हुआ कि ये घटना हुई है हैदराबाद तेलंगाना में, ये बच्चे यहाँ से लेवा ले गए इन लोग इस बच्चे को, इनके साथ में गया है और जो है जब सूचना आई तो लड़के के पिताजी ने हमसे बात की है सचिन के, जब वो अपने ताऊ के लड़के से मोहर सिंह ने हमसे बात करवाई कि चौकीदार चाचा से बात करवा दो, तो इन्होंने बताया कि रवि मर गया है। तो हमने कहा रवि कैसे मर गया है, तो वो ये नहीं पता चल रहा है कैसे मर गया है। तो हमने कहा तुम्हारे पास सूचना कैसे आई, तो ये इस नंबर पे आई, तो इस नंबर पे हमने कॉल किया तो वहाँ लेडीज ने उठाया, उधर की भाषा पहले नहीं पड़ती है, तो उसने बताया कि रवि का मर्डर हो गया, इतनी दूर आपने क्यों भेज दिया था, हमको ये जानकारी नहीं थी कि कब आया कब गया, ये यहाँ से रियात बताते हैं, इनकी एक बहन है मोहर सिंह की हपून, वहाँ का कोई ठेकेदार है उसके यहाँ राजा से 2-4 दिन बाद पता नहीं कब गया, मतलब बात ही नहीं उससे हुई। अच्छा जी, बताइए ये आपका जो बेटा था ये कब गया, कब से गया था यहाँ? इसको हो गए करीब 2 महीने के आसपास। 2 महीने के आसपास हो गए, कभी उसके बाद में कोई संपर्क हुआ उनसे बच्चे से आपके? बच्चे से वो ये कहता था, फोन आता था कि ठेकेदार पैसे देता नहीं है और जो हम कैसे आए ये बातें ऐसी बताता रहता था। जब सूचना मिली तो हमने कही अपने
थाना बसरे। अच्छा, ये जैसे ये इनके जो साथ घटना हुई, हत्या इनकी हुई बता रहे हैं आप लोग, तो किस तरीके से हत्या की गई है? ये वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने ताड़ी की है शाम को, और एक और है कोई लड़का, उसका नाम पता हमको मालूम नहीं, धर्मेंद्र है, पता नहीं क्या नाम है। तो वो बता रहा था कि ये रात को लड़ बड़के हमने समझा दिया, और सुबह फिर हम तरकारी बना के और आटा मार रहे थे, तो आटा मार के हमको लगी बीड़ी की तलब, तो मैं बीड़ी लेने चला गया। तो जब तक मैं लौट के आया तो इनकी मोबाइल के पीछे लड़ाई झंझट हो रहा था, मोबाइल था रवि का, वो जो सचिन ले रहा होगा उससे, तो वो मना कर रहा होगा, तो इसलिए वो बताया है कि सचिन बोल रहा है कि मैंने इसकी चाकू पूछ लिया। अच्छा अच्छा, रवि के ठेकेदार। और जब हम वहाँ गए तो ठेकेदार से बातचीत की, तो ठेकेदार ने कही मैं नहीं आ पाऊँगा, पता नहीं वो कहाँ है क्या है। अच्छा, ये लोग ये कहते हैं इनके पिताजी, एक दो बार हमारी बात हुई है, वहाँ प्रशासन ने हमको बताया है कि हमने मॉर्निंग शाम को 9 तारीख को इसका चालान कर दिया है। और मैं यहाँ से जब चला था तब मैंने वहाँ से लोकेशन दिया था, और जब हम यहाँ से चले तब मैंने लोकेशन दिया, सर मैं आ रहा हूँ, आप उधर से लोकेशन भेजिए। उनने आधार कार्ड लिया, हमने आधार कार्ड दिया, तो उसका पीएम नहीं हो पाएगा। तो 9 तारीख को इसका पीएम हुआ है और 9 को इसका चालान हुआ है। अब इनके परिजन पिताजी सचिन के ये बताते हैं कि ये हमसे बात होती है, ठेकेदार बात करवाता है, अब ये पता नहीं है, ये सत्य बोलते हैं कि वहाँ का प्रशासन झूठ बोलता है। हमको तो दफा 302 का सचिन के नाम मुकदमा काम करके जो हमको उन्होंने कॉपी रख दी है। अच्छा, ऐसी कोई जानकारी है कि जो रवि नाम का जो आपको बेटा है, कितने लोगों ने उसको वहाँ हत्या की है? एक जो महिला थी उनसे बात संपर्क हुआ था, बातचीत हुई थी, तो बता रही थी कि ये 3 लोग थे। अच्छा हाँ, एक बाबू सचिन और एक और कोई था, और एक तीसरा रवि था। अच्छा, ये जैसे प्रशासन वहाँ का जो बता रहा है कि कितने, 1 लोगों पे मुकदमा किया है, 2 लोगों पे मुकदमा, एक लोग पे। अच्छा, सचिन पे। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो ये चाह रहे हैं साहब, मेरा बेटा चला गया, भतीजा मेरा लगता है, हमने उसको पाला पोसा, इतना पैसा वहाँ से खर्च किया, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है भविष्य में हमारी और भी पेड़ पौधे हैं उनके साथ भी ना सर ऐसा हो, और मैं बख्शूंगा नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ से ले गए तेलंगाना का साला, पूरी जमीन बेच देंगे। 11 बच्चे थे हमारे भाइयों के, एक हमारा बहन कम कर दिया, पता नहीं साले आगे चल के क्या करें। हम चाहते हैं न्याय, किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं, ना किसी से अपशब्द बोलना चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए। कहने के जो दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलवाई जाए, सारा जीवन सालों का जेल में मरना वहीं हो जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।